हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं क्यूबिकल सीजन 1 का रिकैप देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम जूनियर डेवलपर पीयूष प्रजापति से मिलते हैं, जो अपने दोस्त कल्पेश भाटिया के साथ रहता है। और आज पीयूष के जॉब का पहला दिन है और पीयूष थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन ऑफिस पहुंचने पर पीयूष देखता है कि बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा, इसलिए पीयूष को विजिटर कार्ड पहनाकर अंदर भेजा जाता है। अंदर पीयूष एक और एम्प्लॉय अंगद से मिलता है, जो कि उस ऑफिस में मेंटेनेंस का करता है। पीयूष एचआर सुप्रिया से मिलता है, जो उससे ठीक से बात नहीं करती। फिर वहाँ आता है वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र धुमे, जो एचआर सुप्रिया को कहता है कि तुम्हें पता करना चाहिए कि ये लड़का लेट क्यों हुआ, बजाय इसके कि तुम उससे इधर उधर के क्वेश्चंस पूछो। और फिर पीयूष महेंद्र को बताता है कि दोनों पहले भी मिल चुके हैं, जब महेंद्र कॉलेज के प्री प्लेसमेंट टॉक में आया था। महेंद्र अंगद को डांटता है और कहता है कि जाकर बायोमेट्रिक को ठीक करने। और पीयूष अपने कॉलीग गौतम और गंभीर से मिलता है और फिर अपने टीम लीडर मेघा से, और मेघा पीयूष को पहला टास्क देती है जो कि SQL से रिलेटेड है। और इस टॉपिक में सैडली पीयूष थोड़ा वीक है, लेकिन अंगद उसे एक तरकीब बताता है जिससे पीयूष मेघा के दिए हुए काम को 4 घंटे के बजाय 2 घंटे में ही कम्प्लीट कर देता है। लेकिन मेघा को सब पता है कि प्रोजेक्ट पीयूष ने कहां से कॉपी किया। और महेंद्र से अंगद को जो डांट पड़ा, अंगद ने पीयूष से उसका बदला ले लिया। अब ब्रेक पे पीयूष कल्पेश से मिलता है, जिसे उसके कॉलीग ने एक मग देकर वेलकम किया, लेकिन यहाँ तो पीयूष को किसी ने वेलकम तक नहीं कहा। पीयूष को लग रहा था कि शायद महेंद्र उसे कम से कम पसंद करता है, लेकिन महेंद्र भी उसे डांट देता है क्योंकि पीयूष ने अपना पहला प्रोजेक्ट ही कॉपी करके बनाया। और महेंद्र को नहीं लगता कि पीयूष इस कंपनी में ज्यादा दिन टिक पाएगा, लेकिन मेघा पीयूष को समझाती है कि आज तुम्हारा पहला दिन है, थोड़ा प्रॉब्लम और एरर्स तो आएंगे ही। अब पीयूष को उसके मम्मी पापा समझाते हैं कि तुम्हारी पहले ही सैलरी आने वाली है, तो थोड़ा उसे सेव करने। और पीयूष मेघा को यही बताता है कि वो अपना पहला सैलरी पार्टी करने में वेस्ट नहीं करने वाला, वो उससे एक रिक्लाइनर खरीदना चाहता है। फिर मेघा से बात करके उसे रियलाइज होता है कि उसे अपना घर का रेंट भी देना है। और फिर पीयूष को आइडिया आता है कि वो थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। फिर कल्पेश पीयूष को कॉर्पोरेट लॉयल्टी कार्ड के बारे में बताता है, जो सिर्फ टीम लीडर को दिया जाता है फॉर वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस, लेकिन टीम लीडर मेघा कार्ड देने से सख्त मना कर देती है। और पीयूष समझाता है कि रिक्लाइनर यानी कि एक रिलैक्सिंग चेयर से उसका वर्क एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन मेघा फिर भी नहीं मानती। और फाइनली पीयूष का पहला सैलरी आता है और वो एचआर से कहता है कि ये सैलरी तो जो प्लेसमेंट में उसे कहा गया था उससे बहुत कम है, लेकिन सुप्रिया उसे बताती है कि जो तुम्हें कहा गया था उसे CTC कहते हैं, लेकिन इसमें कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होते हैं और उसे काट कर तुम्हें ये पेमेंट मिलता है। फिर मेघा आकर कॉर्पोरेट लॉयल्टी कार्ड देती है और कहती है कि इसे सिर्फ एक बार ही यूज करने। और पीयूष अपने पहले सैलरी से अपने मम्मी पापा को एक फोन और पापा को एक रेजर गिफ्ट करता है। पीयूष वीकेंड के लिए लोनावला जाना चाहता है और कल्पेश एक आश्रम जाने का प्लान बनाया हुआ है, यहाँ तक कि वो पीयूष को हर्बल टी भी बनाकर देता है। पीयूष अपने कलीग्स को मनाने की कोशिश करता है कि वो सभी लोनावला जाएं, लेकिन सब ने अपना अपना प्लान बना लिया है। मेघा गौतम गंभीर और पीयूष को मीटिंग करने के लिए बुलाती है और बताती है कि उसका एक 5 साल का बेटा है, जिसका परसों यानी कि वीकेंड में बर्थडे है, और टीम से पूछती है कि तुम लोगों का क्या प्लान है। गंभीर बताता है कि उसका एंगेजमेंट है, गौतम बताता है कि वो एक ट्रिप में जा रहा है, और पीयूष वेल उसका कोई प्लान नहीं है। और मेघा पीयूष को वीकेंड में एक प्रोजेक्ट दे देती है काम करने के लिए। और पीयूष वीकेंड में ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस बिल्कुल खाली है, और अपने चेयर से परेशान होकर वो चुपके से किसी और के चेयर से अपना चेयर रिप्लेस कर लेता है, लेकिन अंगद देख लेता है, जो सैटरडे को भी मेंटेनेंस के लिए ऑफिस आता है। पीयूष को एक क्लाइंट एम जेफरसन का मेल आता है और अंगद पीयूष को एडवाइस देता है कि जेफरसन बहुत सीरियस आदमी है, उसे सर कहकर ही एड्रेस करना। लेकिन मीटिंग के वक्त पीयूष को जेफरसन बताती है कि वो एक औरत है और उसका नाम है मिशेल, और फिर अंगद के वजह से पीयूष को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ता है, और इसीलिए पीयूष अंगद से गुस्सा हो जाता है। लेकिन पीयूष फिर माफी मांगता है और दोनों बियर पीते हैं और अपने ऑफिस को ही गोवा बनाकर रिलैक्स करते हैं। फिर मंडे को आकर पीयूष देखता है कि किसी ने चेयर को फिर रिप्लेस कर दिया है, मतलब पीयूष को उसी का पुराना चेयर मिल गया। अब पीयूष अब बहुत खुश है कि फाइनली 1 महीने में उसका प्रोबेशन खत्म होने वाला है। फिर मेघा पीयूष को एक दूसरे टीम को ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसका टीम लीडर है अभिमन्यु, और वहाँ वो रीचा से मिलता है, जिसका क्यूबिकल कुछ ज्यादा ही सजा हुआ है और उसमें एक प्लांट भी है। और पता चलता है कि रीचा जॉब छोड़कर एक नर्सरी खोलना चाहती है, ये उसका पैशन है। और पीयूष से पूछती है कि तुम्हारा क्या पैशन है, और पीयूष कहता है कि उसे नहीं पता, उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और फिर दोनों टेक्स्ट करना स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट दिन रीचा पीयूष को एक प्लांट गिफ्ट करती है।
अब लंच पे पीयूष रिचा को गौतम और गंभीर से मिलाता है। अब पीयूष रिचा पे एक जोक मारता है कि रिचा ये 9 to 5 जॉब करना पसंद नहीं करती, उसे अपना पैशन परस्यू करना है, वो एक नर्सरी खोलना चाहती है। लेकिन रिचा इसे थोड़ी सीरियसली ले लेती है और उसे ये जोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और पीयूष रिचा को सॉरी कहता है। और प्रोबेशन के बाद सुप्रिया पीयूष को उसका कार्ड देती है और रिचा पीयूष के सॉरी को एक्सेप्ट करती है। और पीयूष को रिचा की वजह से समझ आया कि ये काम करना ही उसका पैशन है। पीयूष कल्पेश को अब नए फ्लैट में शिफ्ट होने को कहता है और ऑफिस में भी उसके लिए घर ढूंढता है, लेकिन अचानक से पूरे एरिया का इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है। और बाहर पीयूष देखता है कि मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। अब सब रूटीन से ब्रेक लेकर डम शरार्ट्स खेल रहे हैं। फिर महेंद्र और मेघा बात कर रहे होते हैं और बाहर से ये सभी मजे ले रहे हैं गेस करके कि दोनों क्या बात कर रहे होंगे। फिर पीयूष अपने पूरे टीम के साथ लंच करता है और वहां आता है कल्पेश, लेकिन वो थोड़ा सा नाखुश हो जाता है जब उसे ये पता चलता है कि पीयूष कल्पेश के लिए घर ढूंढ रहा है। मेघा यहाँ सभी को बताती है कि वो और महेंद्र ने एक साथ ही इस कंपनी को ज्वाइन किया था। महेंद्र पीयूष को 7C में जाकर जॉब करने को कहता है जहाँ का इंटरनेट चल रहा है। और फिर मेघा और महेंद्र फिर झगड़ते हैं और मेघा कहती है कि वो टीम को संभाल सकती है, पीयूष को 7C में भेजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन महेंद्र उसे समझाता है कि उसे सिर्फ काम करने से मतलब है। फिर दोनों के बातों से पता चलता है कि मेघा को पहले ऑफर किया गया था इस कंपनी के VP का पोस्ट, जो बाद में फिर महेंद्र को दे दिया गया। अब 7C में पहुंचकर पीयूष देखता है कि कल्पेश एक पार्टी का प्लान कर रहा है जिसमें कि सैडली पीयूष इनवाइटेड नहीं है। और मेघा कहती है कि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम प्रॉब्लम सॉर्ट कर लोगे। और फिर सभी जगह का इंटरनेट कनेक्शन वापस से स्टार्ट हो जाता है। फिर घर लौटकर पीयूष और कल्पेश बात करते हैं और कल्पेश यहाँ सॉरी कहता है और कल्पेश यहाँ बताता है कि उसे एक जॉब लगा है जिसके लिए वो सैन डिएगो जा रहा है। और यहाँ होता है क्यूबिकल season 1 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।